गाइस आप सभी का स्वागत है GTA 5 के एक और गेम प्ले में। आज मेरे को कुछ लोगों की सुपारी मिली है, मेरे को उनको मारना होगा। वो जो आप सामने जगह देख रहे हो वो सभी लोग वहाँ पर रहते हैं, लेकिन इसके अंदर जाना आसान है पर बाहर निकलना नहीं। इसीलिए मैंने यहाँ पर अपने लिए ट्री हाउस बनाया है ताकि मैं दूर से ही उन पर निशाना लगा सकूं। चलो ऊपर जाकर देखते हो कितने लोग हैं। यार ये दरवाजा तो जाम हो गया, मेरे से खुल ही नहीं रहा। ओके तो गाइस आप देख सकते हो मैं अंदर आ गया, पर मेरे को बालकनी में जाकर उन लोगों को देखना होगा या पहले ना लेता हूँ। अबे ये कौन है और मेरे घर में कैसे घुस आया? अब मेरे को इसको उठाकर घर के बाहर फेंकना होगा ताकि किसी को पता ना चले कि इसको मैंने मारा है। चल बे भाग यहाँ से, इसको तो ठिकाने लगा दिया, पर अब मेरे को बाहर जाना होगा। गाइस आप देख रहे हो उन लोगों ने घर के चारों तरफ बाउंड्री बना रखी है, मेरे को यहाँ से ही उन पर निशाना लगाना चाहिए। देखो वो चुपचाप खड़ा, शायद वो यहाँ खड़े होकर इस जगह की सुरक्षा कर रहा है, पर अब नहीं कर पाएगा। शायद और लोगों को पता चल गया, मेरे को सबको मारना पड़ेगा नहीं तो मुसीबत हो जाएगी। ये अकेला यहाँ पर क्या कर रहा है? देखो उसको, वो तो भाग रही है पर मेरे से नहीं भाग पाएगी। इसका भी काम तमाम हो गया। पर गाइस नीचे देखो, उसके साथी यहाँ आ गए, पर डरने की कोई बात नहीं, वो घर के अंदर नहीं आ सकते। चलो खाना बना लेते हैं, तब तक वो चले भी जाएंगे और रात भी हो जाएगी, फिर मैं अंधेरे में वहाँ जाऊँगा। शायद थोड़ा और वेट करना होगा क्योंकि रात ही नहीं हो रही। अरे वाह सूरज डूबने लग गया, अब ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। पर ये घर के अंदर कौन आ गया? आखिर इनको रास्ता कैसे मिला? शायद मैंने दरवाजा खुला छोड़ दिया और ये घर के अंदर आ गया। रुको इसको मार डालता हूँ, इसने यहाँ आकर गलती की। अबे ऊपर तो इसका एक और साथी है, आखिर ये सभी लोग छुपकर अंदर कैसे आ गए? ऊपर से सूरज भी नहीं डूब रहा पर अंधेरा तो होने लग गया। अब मेरे को वहाँ पर जाना चाहिए। चलो यहाँ से कूद कर पैराशूट की मदद से हम सीधा वहाँ पर चलते हैं। ओ माय गॉड इनको कौन मारा? मैंने तो दूसरों को मारा था, आखिर इनके साथ क्या हुआ होगा? हो सकता है मेरे अलावा कोई और ने भी सुपारी ली होगी। पर उस पुराने घर के अंदर आखिर वो खड़ा कौन है? ये तो पास जाकर ही पता चलेगा कि आखिर चल क्या रहा है। यार जमीन पर तो एक और मरा हुआ इंसान पड़ा है। चलो चुपचाप यहाँ से चढ़कर हम अंदर घुस जाते हैं। ओ भाई साहब ये तो इंसान नहीं कोई दानव है, मेरे को यहाँ से भागना होगा। मुझे नहीं पता था यहाँ पर ऐसा होगा। चल बे जल्दी से कूद जा नहीं तो उसके हाथों मारा जाएगा। गाइस अब तो लाइक बटन दबा दो, आपको ज्यादा समय नहीं लगेगा। अभी नहीं ना यार ये तो यहाँ भी आ गया, आखिर ये दानव है कौन और यहाँ पर लोगों को क्यों मार रहा है? इस पर तो गोलियों का असर भी नहीं हो रहा, मेरे को नहीं लगता मैं इसको मार पाऊंगा। अच्छा होगा मैं भाग कर जल्दी घर के अंदर घुस जाऊँ। देखो यहाँ पर तो शायद वो दानव आकर बैठ गया। रुको इसको गोली मार कर मार देता हूँ। अबे ये तो इंसान निकला, मैंने फालतू में इसको मार डाला, पता नहीं ये यहाँ पर क्या बना रहा था। चलो छोड़ो जल्दी से हम घर के अंदर घुस जाते हैं। ओके तो गाइस मैं घर के अंदर आ गया और सभी के सभी दरवाजे भी बंद कर दिए, पर मेरे को समझ नहीं आ रहा वो दानव था कौन। ओ माय गॉड ये दानव तो यहाँ भी आ गया और पता नहीं कैसे हवा के ऊपर खड़ा है। मेरे को जल्दी से कहीं पर छुपना होगा। चलो बाथरूम में छुप जाते हैं। अबे ओए ये तो यहाँ भी आ गया, मेरे को भागना होगा पर मैं जाऊँ कहाँ, मेरे को समझ नहीं आ रहा। देखो ये तो हर तरफ आ जाता है, आखिर ये चाहता क्या है? कुछ भी हो जाए मैं इसका शिकार नहीं बनूंगा। चलो इस छोटे घर के ऊपर चढ़कर हम दूसरी तरफ चलते हैं और वहाँ पर छुप जाते हैं। देखो वहाँ पर लाइट है, मेरे को वहाँ जाना चाहिए। अबे ओए 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 मेरा तो पैर फिसल गया, मैं सीधा नीचे जा रहा हूँ। यार यहाँ पर भी दानव है, आखिर ये चाहता क्या है और मर क्यों नहीं रहा? गाइस मेरे को कैसे भी इसे पीछा छुड़वाना होगा, पर मैं करूँ क्या कुछ समझ नहीं आ रहा। चलो इस पुल को कूद कर हम इसके किनारे पर छिप जाते हैं, शायद उसको पता ना चले कि मैं यहाँ पर हूँ। यार वो तो सीधा निकल गया, शायद उसने मेरे को नहीं देखा। ये अच्छा मौका है यहाँ से भागने का। अबे नहीं ना यार वो तो यहाँ आकर मेरी बैंड बजाने लग गया। तेरी तो ऐसी की तैसी, डर तेरी की, ये तो मारने का मौका ही नहीं दे रहा। अब तो मेरे को नहीं लग रहा मैं इसके हाथों बच पाऊंगा। देखो कैसे उछल उछल कर मार रहा है, पर अगर मैंने कुछ नहीं किया तो इसके हाथों मारा जाऊंगा और ये मैं नहीं चाहता। यार ये तो उछल कर मेरे को लात मार कर नीचे गिरा दिया, सच में वो तो पागल हो गया, मेरे को छोड़ ही नहीं रहा। इसने तो मेरे पर लाइट लगा दी, पता नहीं उसके पास ये सभी पावर कहाँ से आई। अब उसको क्या हुआ, वो चुपचाप क्यों खड़ा हो गया? ओके तो गाइस मैंने इसको उठा लिया, अब मैं इसको चोटी पर ले जाकर वहाँ से नीचे फेंक दूंगा, ये वाली ऊंचाई काफी है, अब इसका काम तमाम होने वाला है। चल निकल यहाँ से। गाइस आप देख रहे हो मैंने उसको यहाँ से नीचे फेंक दिया, अब तो वो नजर भी नहीं आ रहा, शायद जरूर मर गया होगा। अब मैं इस जगह को छोड़कर घर पर जाने वाला हूँ। पर गाइस अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करने के बाद चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, सब्सक्राइब बटन आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा।